उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भविष्यवाणी की कि पीएम मोदी की हार एक महिला के हाथों ही होगी। इसके लिए हरीश रावत ने एक ज्योतिषी की राय का हवाला दिया और पीएम की कुंडली में कालसर्प योग होने का दावा किया। कि कुंडली में कालसर्प योग है और महिला से उनकी पराजय निश्चित है। मैं क्या कह सकता हूँ, तो मेरे अध्यक्ष को निर्णय करना है, हमारे हाथ में निर्णय नहीं है। लेकिन जो मुझको ज्योतिषियों ने बताया है कि मोदी जी की हार जो है निश्चित है, उन्होंने तो ये बात कही थी प्रियंका जी के सक्रिय राजनीति में आने के साथ। कांग्रेस पार्टी अब इतनी हताशा में आ गई है कि अब तमाम टोने टोटकों अंधविश्वास पर ही, जादू टोनों पर ही उनका भरोसा बचा हुआ है। अब वो तमाम प्रकार की कुंडलियां, तमाम प्रकार के अभिमंत्रों के आधार पर ही जीत और हार में विश्वास रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की यह ग्रह दशा बहुत ही अच्छी है, ये उनके जीवन का स्वर्ण काल चल रहा है और यह चलेगी 2021 नवंबर 2021 तक। इस समय इनकी कुंडली में प्रबल राजयोग है, इनकी कहीं कोई इनके उसका प्रधानमंत्री पद के ब्रेक होने का कोई योग नहीं है।